कर दो मैं आ जाऊंगा। ये तस्वीरें आप शिमला की देख रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन है उनकी, यहाँ पर भूख हड़ताल चल रही है। क्रमिक ये भूख हड़ताल है, पिछले कल से शुरू हो गई है, 8 जनवरी से 11 जनवरी तक ये भूख हड़ताल रहेगी। ओपीएस बहाली की भी ये जो है मांग यहाँ पर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, उन एनपीएस गो बैक के नारे यहाँ पर जो है वो आप लिखे हुए देख सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिमला रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए शिमला रेलवे स्टेशन यहाँ पर ये है और 3 दिन की ये भूख हड़ताल पर हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये बैठे हैं? पेंशन को जो है ना बहाल किया जाए और एनपीएस को रखें। समस्या कहाँ आ रही है, क्यों सरकार से क्या वार्ता हुई है इस विषय में? सर देखिए, केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप हमारे महामंत्री श्री शिवगोपाल मिश्रा जी की जो है ना वार्तालाप होती रहती है और केंद्र सरकार ने शायद कोई कमेटी भी गठित की है कि उसमें सुधार के लिए उसमें सुधार किया जाए, परंतु हमारा जो है ना हमारा केवल और केवल एक ही मकसद है कि हमें सुधार नहीं, सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। अंतिम वेतन का अंतिम जो हमारा अंतिम वेतन है और जो उस अंतिम वेतन का आधा आधी पेंशन के रूप में हमें जो है। फिलहाल 3 दिन की आपकी भूख हड़ताल है, उसके बाद क्या रणनीति है, किस तरह से आगे बढ़ेगा आंदोलन? सर अभी जो भी आदेश हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमें मिलेगा हम उसे फॉलो करें। फिलहाल 3 दिन तक ये 8 तारीख से 11 तारीख तक भूख हड़ताल है और इसके लिए भी हमें जो है अपने AIRF नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन NRMU के द्वारा जो है उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमें आदेश मिला है और जो इसके बाद की अगली रणनीति होगी उसे हमें स्वीकार्य होगा और जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जैसे हमें अपना आदेश देंगे हम उसका पालन। ये देख सकते हैं आप, ये भूख हड़ताल पर यहाँ पर कर्मी बैठे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि केवल एक ही डिमांड है, ओपीएस बहाली की। जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती है इनका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, 3 दिन की ये भूख हड़ताल है, क्रमिक भूख हड़ताल है और उसके बाद निश्चित तौर पर जो आंदोलन है वो उग्र किया जाएगा, इस तरह का इनका मानना है। ये देखिए स्टेशन से दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप आंदोलन यहाँ पर इनका चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसने ओपीएस बहाल कर दी है और कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने जो है ओपीएस बहाली की है, उसके बाद ओपीएस बहाली की मांग जो है अब केंद्रीय कर्मचारी भी करने लगे हैं। तमाम स्टेटों में जो कर्मचारी जो है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में ये लड़ाई और जो है वो तेज़ी पकड़ती जा रही है, रफ्तार पकड़ती जा रही है। ये देखिए रेलवे बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं शिमला में। तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।